Hello everyone, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology on YouTube channel. खुश तो बहुत होगे तुम, लेकिन आज मैं आपको और खुश करने वाला हूँ. आज मैं आपको बताऊंगा अचानक से होने वाले धन लाभ के बारे में. जो अचानक से आपको धन लाभ होता है, लॉटरी से धन लाभ होना, प्रॉपर्टी से धन लाभ का होना, किसी की डेथ के बाद उसका पैसा मिलना, उससे धन लाभ होना, या कहीं स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया हुआ है वहां से धन लाभ होना. तो धन लाभ के बहुत तरीके हैं. तो ये जो धन लाभ है जो आपको अचानक से अमीर बनाता है, पैसे वाला बनाता है, इसका कौन सा योग हमारे बर्थ चार्ट में बनता है. हमारी कुंडली में धन के बहुत सारे योग हैं. धन लाभ के बहुत सारे योग हमारी कुंडली में बनते हैं. जैसे सेकंड हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में, 11th हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में, 4th हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में, या 4th हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में. तो ऐसे योग से भी धन लाभ होता है. लेकिन आज जो मैं योग आपको बताने जा रहा हूं उसका संबंध है अचानक से होने वाले धन लाभ के बारे में. यानी जो आपको अचानक से पैसा मिलता है, जिसकी उम्मीद आपको नहीं होती है, ऐसा धन लाभ जो रातों रात आपको अमीर बना दे. तो चलते हैं बोर्ड की तरफ और समझने की कोशिश करते हैं. तो ये है आपकी कुंडली का 5th हाउस यानी पंचम भाव. पंचम भाव यानी आपका लक, पंचम भाव यानी आपकी क्रिएटिविटी, पंचम भाव यानी स्टॉक मार्केट, पंचम भाव यानी लॉटरी, सट्टा, जुआ. और ये है आपका अष्टम भाव. अष्टम भाव मतलब दूसरे का पैसा, दूसरे की वेल्थ, आपके मदर फादर का पैसा, आपके इन लॉस का पैसा, या किसी की डेथ के बाद जो हमें पैसा मिलता है वो आपका 8th हाउस है. यानी जो आपकी पैतृक जो संपत्ति होती है उसका संबंध भी 8th हाउस से है, और जो इंश्योरेंस का जो पैसा होता है उसका संबंध भी 8th हाउस से है. और जमीन के नीचे, जमीन के नीचे आपने सुना होगा कि कई बार लोगों को गड़ा खजाना मिल जाता है, सोना चांदी पैसा सब मिलता है लोगों को, तो उसका संबंध भी 8th हाउस से है. तो 5th हाउस और 8th हाउस, ये दोनों जो हाउस हैं ये बताते हैं कि आपको अचानक से कब गेन हो सकता है. इनके दोनों के लॉर्ड अगर बेनिफिक हाउस में अगर प्लेस्ड हैं, जैसे सेकंड हाउस में या 11th हाउस में अगर प्लेस्ड हैं, तो आप रातों रात अमीर बन सकते हैं. पंचम भाव का संबंध है स्पोर्ट्स से, एक्टिंग से, फिल्म से. आपको स्पोर्ट्स पर्सन है और कहीं पर जाके आप कोई प्राइज जीतते हैं या कोई ट्रॉफी जीतते हैं, तो उसके कारण आपका बहुत नाम होता है और आपको धन लाभ भी होता है. या आपने कोई अपनी फिल्म लॉन्च की, आपकी जो फिल्म है वो एक हफ्ते के अंदर सारे रिकॉर्ड को तोड़ देती है, तो उससे आपको धन लाभ होता है. तो इस तरीके से धन लाभ आपको पंचम हाउस के थ्रू हो सकता है. या आपने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया या शेयर मार्केट में पैसा लगाया और रातों रात जो आपके शेयर्स हैं वो बहुत हाई हो गए, तो वहां से आपको धन लाभ हो सकता है. तो सेम वैसा ही धन लाभ 8th हाउस से देखा जाता है. किसी की डेथ के बाद आपको अचानक से पैसा मिलना, किसी का इंश्योरेंस का पैसा मिल जाना, कहीं से गड़ा हुआ खजाना मिल जाना, या किसी की संपत्ति का आपके पास आ जाना. और ये योग जब आपको फल देगा, जब 5th हाउस का या 8th हाउस का लॉर्ड या तो सेकंड हाउस में हो या 11th हाउस में हो. सेकंड हाउस यानी आपकी सेविंग, मतलब अगर 8th हाउस का लॉर्ड अगर यहां चला जाता है या 8th हाउस का लॉर्ड अगर यहां चला जाता है तो आपको अचानक से धन लाभ हो सकता है. लेकिन उसके लिए 8th हाउस के लॉर्ड की दशा का चलना बहुत जरूरी है. 8th हाउस के लॉर्ड की दशा चल रही है तो आपको बहुत बड़ा धन लाभ होता है.
और अगर इसका लॉर्ड, एट्थ हाउस का लॉर्ड अगर अपने एग्जल्टेशन में है और इलेवेंथ हाउस में है या सेकंड हाउस में है, तो आपको लाखों करोड़ों का धन लाभ हो सकता है। यानी आप रातों रात में अमीर, करोड़पति, लखपति, अरबपति कुछ भी बन सकते हैं। इसी तरीके से अगर फिफ्थ हाउस का लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में जा रहा है, पेन कई बार काम करना बंद कर देता है, और फिफ्थ हाउस का लॉर्ड अगर इलेवेंथ हाउस में जा रहा है, तब भी ऐसा गेन आपको होता है कि आपने अपनी कोई फिल्म लॉन्च की, उसके कारण आपको बहुत पैसा मिल गया, क्योंकि आपकी जो फिल्म है वो हिट हो गई और आपने ये बात सोची भी नहीं थी। या आपने कोई लॉटरी परचेज की और रातों रात आपकी लॉटरी लग जाती है, 50 लाख की, 1 करोड़ की, 2 करोड़ की आपकी लॉटरी लग जाती है, तो उससे आपको धन लाभ होता है। और एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि इलेवेंथ हाउस का लॉर्ड भी अगर यहां पर प्लेस होता है, या इलेवेंथ हाउस का लॉर्ड अगर फिफ्थ हाउस में प्लेस है या आपके एट्थ हाउस में प्लेस्ड है, और एट्थ हाउस के लॉर्ड के साथ अगर इसका एक्सचेंज योग बन रहा है कि इलेवेंथ हाउस का लॉर्ड अगर एट्थ हाउस में है, एट्थ हाउस का लॉर्ड अगर इलेवेंथ हाउस में है, या अगर वैसा भी नहीं है, इलेवेंथ हाउस का लॉर्ड अगर एट्थ हाउस में है और एट्थ हाउस का लॉर्ड अगर अपने ओन साइन में है, या फिफ्थ हाउस का लॉर्ड अगर एट्थ हाउस में है और एट्थ हाउस का लॉर्ड अगर अपने ओन साइन में है, या सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर एट्थ हाउस में है और एट्थ हाउस का लॉर्ड अगर अपने ओन साइन में है या अपने एग्जल्टेशन में है, तब भी आपको धन लाभ होता है, और अचानक से धन लाभ होता है। तो अगर ऐसा कोई योग अगर आपके बर्थ चार्ट में बन रहा है और उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे बात भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।